हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये व्लॉग है डे सिक्स का। तो आज सुबह सुबह निकला हूँ, तो जो मेरा पिलोन है, मेरा पार्टनर, आज वो सुबह सुबह थोड़ा सोया हुआ था तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो जो फर्स्ट दिन जब मैं आ रहा था, तब जब आपको, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, जिस दिन बर्फ़ गिरी थी तो मेरे पास वाटरप्रूफ कुछ नहीं था। उस दिन बारिश और बर्फ़ दोनों गिरी, तो बिल्कुल हाइपोथर्मिया वाली हालत हो गई थी। तो मैंने अपने पिलोन को कहा बाइक चला, तो जो मेरी हेलमेट के आगे माउंट लगा हुआ, जहाँ पे मैं बेसिकली कैमरा लगाता हूँ, वो माउंट शायद वहाँ गिर गया। तो इतने दिन के बाद आज आके टाइम मिला है, पता नहीं क्यों, जहाँ मैं पहले भी सकता था, तो आज मैं जा रहा हूँ। तो सुबह सुबह निकला हूँ, अभी इतने दिन में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो अभी तक तो निकला नहीं था यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ पर, एक जगह है उसका नाम शांतस्थान, कुछ ऐसे ही नाम था, बहुत सही जगह थी। आई होप कि मैंने डिसीज़न लिया, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने डिसीज़न लिया वहाँ जाने का, और बहुत ज़्यादा सही जगह थी, क्योंकि वो बिल्कुल जहाँ पे हम लोकेशन पे रह रहे थे बिल्कुल उसके पास थी। तो मैंने सोचा कितनी अच्छी जगह होगी, क्योंकि वो जगह नॉर्मल थी, तो मैंने सोचा पास नहीं है कितनी अच्छी जगह होगा, पर मैं गलत था। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं सोचता हूँ कि वहाँ नहीं जाना चाहिए और मैं वहाँ चले जाऊँ, तो वो जगह बहुत ज़्यादा सही निकलती है। तो ये जगह सच्ची में बहुत ज़्यादा सही थी। तो इसके बाद जब मैं वहाँ गया, तो मैं अकेले गया क्योंकि पिलोन थोड़ा सोया हुआ था, तो मैंने बोला इसको रहने देते हैं, तो अभी अकेले चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो मेरा सबसे सही उस दिन मैंने टाइम स्पेंड किया वो बहुत ज़्यादा सही था। बातों बातों में मैं पहुँच गया अपनी लोकेशन पे। तो ये रही वो लोकेशन, पर आप अगर फर्स्ट वीडियो में देखोगे तो ये लोकेशन और भाई यहाँ पर पड़ रहे हैं ओले, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, बहुत गंदे तरीके से पड़ रही है, जिससे बहुत ज़्यादा लग रही है हमको। तो अभी चलो ढूंढते हैं, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, तो आगे से हेलमेट पे व्लॉग लग, हेलमेट पे कैमरा लग जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। चेस्ट पे माउंट लगा हुआ है, उसी से बनाएंगे वीडियो जैसे बन रही है। तो आई होप कि मिल जाए। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो हम लोग पहुंच गए हैं जो जगह की मैं शास्त्रन की बात कर रहा था, और इतनी सही जगह है। तो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, वो मैं आपको वीडियो में ही अभी बताता हूँ। तो एक दिन पहले भी मैंने यहाँ पे आने की कोशिश की थी, पर उस टाइम मैं अपने पिलोन के साथ था, आज मैं अकेले आया हूँ, उस टाइम मैं अपने पिलोन के साथ था, उसके साथ जा रहा था। तो कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई पर नहीं जा सके हम लोग, हमें वापस जाना पड़ा। तो आप पहले वो देख लीजिए, और ये देखिए जो व्यू अब दिख रहे हैं ना, ये अभी के व्यू हैं, जो इस जगह के व्यू हैं बहुत सही हैं। तो अभी मैं आपको पहले वाली दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर वापस चलूँ। फंस गया, ऐसे तुझे लगा था कि निकाल लूंगा ऐसे। और ये देखिए इस ऑफ रोड के बाद, और हमारे साथी आ रहे हैं पीछे से बहुत मेहनत करके हुए। ये देखिए टायर की हालत, पूरी तरह ग्रूव्स बच चुके हैं, और बाइक मेरी काफी धनाशायी हो चुकी है। भाई हमने लॉक किया है कमरा है, तूने क्या था? और यार मुझे लगता है ना, जब तू, जैसे मैं जब वो बाइक वाइक बंद कर रहा था ना, मुझे लग रहा है मैंने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया यार। देख अगर कुछ होता बता, नहीं तो फिर हम वापस जाते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस राइड थी। तो ये क्यों थी? जिस दिन मैं फर्स्ट दिन आया था, तो जब मैं फर्स्ट दिन आया था तो मैंने विंटर का, विंटर थी तो मैंने सोचा नॉर्मल ठंडी होगी, तो विंटर के साथ साथ बारिश होना स्टार्ट हो गई और ठंड इतनी ज़्यादा, और हम जो प्लेन इलाका है उससे हम जा रहे थे जो पहाड़ी वाला इलाका था वहाँ की तरफ। तो जो फर्स्ट दिन था ना, उस दिन तो पूरा ऐसा लगा कि बस मेरी उंगलियाँ पूरी तरह जम चुकी थी। मैंने डबल एक विंटर वाला ग्लव्स और ऊपर से जो बाइक राइडिंग वाला ग्लव्स दोनों डाले हुए थे, तब भी वो गिल्ले होने के बाद ऐसा लग रहा था उंगलियाँ मेरी जम चुकी हैं, मेरे से बाइक चलाई ही नहीं जा रही थी। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं अपनी बाइक कभी किसी को चलाने के लिए नहीं देता। तो इस मौके पे मैंने अपने पिलोन को, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी, लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर रह गया होगा और मैं बिल्कुल बाइक नहीं चला पा रहा था, मेरे हाथ से रेस नहीं दी जा रही थी और ब्रेक मैं बिल्कुल दबा नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो इस हिसाब से मैंने अपने पिलोन को बाइक दे दी। पर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे एडवेंचरस राइड रहेगी, क्योंकि हाँ मेरी ज़िंदगी, हाँ अभी मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ, पर तब भी जितनी मैंने आज तक राइड किया उस हिसाब से बहुत ख़तरनाक थी।
तो मैं सिंसियरली आपको कहूँगा कि अगर आप कभी भी जाएँ तो कसम से, और कुछ हो नहीं हो, विंटर गेयर पूरा लेके जाना, रेन कोट वगैरह कुछ ना कुछ आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ ना वो किसी के साथ ना हो तो अच्छा है। क्योंकि इतनी बुरी हालत, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्या हालत हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप कुछ सोच लो, आप सर्च भी मार सकते हो, जैसे मुगल रोड है, आप इस पे विंटर में कितना टेम्परेचर जाता है, क्योंकि ये पूरा स्नो कवर्ड होता है। छोटी मोटी स्नो नहीं है, कम से कम 3 3 4 4 5 5 फुट से भी ऊपर ऊपर स्नो आती है, तो उस हिसाब से आप सोच लो कितना टेम्परेचर होता होगा। और ये एडवेंचर तो था ही। उस दिन हम मुश्किल से, जैसे ही हम पहुंचे, तो मैं बाइक से जैसे उतरा तो मेरी टांगे ना शिवर करने लग गई थी, क्योंकि कपड़े सारे गीले हो चुके थे पूरी तरह शिवरिंग से। जैसे ही अंदर पहुंचे, अगले 2 दिन तक पूरी बारिश, 2 दिन कहीं नहीं गए। उसके बाद बूढ़े अमरनाथ, मुगल रोड और जो आगे पीछे गया है, पर 2 दिन बिल्कुल नहीं रहा। और जो पहला दिन था ना, मैं जैसे पहुंचा ना, मुझे लग रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी का एंड गोल होता ना, मिशन बकेट लिस्ट वाला पूरा कर लिया हुआ है, पूरी वैसी फीलिंग आ रही थी। और मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसे आप करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की था, काफ़ी बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि विंटर राइड बिल्कुल ऊपर से विंटर में, और हमारा विंटर का कुछ भी नहीं है डालने को, सारा कुछ जो विंटर का था, क्योंकि जैकेट से पानी टपक टपक के टपक टपक के, पूरी जैकेट मेरी इतनी भारी हो चुकी थी, उसको सीख सूखने में 2 दिन लग गए थे कम से कम। तो मैं कह रहा हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर देखना, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है वो भी देख लेना, तब भी देखना, व्लॉग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, बस व्लॉग पूरे बनाए हुए हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा। तो इसी के साथ, अगर आप नए हैं, अगर आप चैनल पे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन अट हार्ट। ओ, यहाँ पे रोड बना है। और अगर बीच में फंस गए तो फंस गए। एंड नो, आई एम थिंकिंग कि रोड फिर से नीचे जा रहा है, और मैं जितने टॉप पे पहुंचना चाहता था मैं पहुंच चुका हूँ। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये सारे पहाड़ों के बीच में जो जो जगहें हैं वो ऐसे हमें दिखती नहीं है। यहाँ पे पूरे पूरे गांव बसे हुए हैं बीच में जाके, एंड दिस इज टोटली। तो अभी वीडियो में जिस चीज़ जगह की बात हो रही थी, जो टॉप पीक जहाँ पे आना था वो है शास्त्रान, और वो रही ये जगह। अगर आप ये व्यू देखें, दिस इज़ अमेजिंग व्यू, कितने सारे माउंटेन्स, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, इसके सामने सारे माउंटेन्स, नीचे 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 बहुत सारी लेयर पे माउंटेन्स है। तो दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग व्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 3 बार आने की, 2 बार आने की कोशिश की, और दोनों बार कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि मुझे वापस जाना पड़ा। तो आज मैंने सुबह सुबह, अभी हम वापस जा रहे थे, आज हमने वापस जम्मू के लिए निकलना है, तो आज मैंने सोचा कि ट्राई मार लेते हैं कि पहुँच पाऊँगा नहीं। आज मैं पहुँचा तो दिस इज़ इनक्रेडिबल यार, क्या व्यू है, दिस इज वाला व्यू, वाला व्यू। तो इसी के साथ अभी हम लोग आगे थोड़ा तहकीकात करते हैं और वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।